म्यूचुअल फंड में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एनएवी। सारी गेम एनएवी पे टिकी हुई है। तो आइए थोड़ी ना एनएवी की डिटेल में चर्चा करते हैं। मोटा मोटा तो ये होता है कि आप ये सोचो कि आज अगर एनएवी कैसे निकलती है, हम ये सोच के निकालते हैं कि आज अगर हम अपने फंड को बंद कर दें तो हम सारे अपने इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स बेच देंगे, उससे हमको कैश मिलेगा, उससे हमारी जो थोड़ी बहुत लाइबिलिटीज है वो पे कर दें, तो जो पैसा बच गया ये किसका है, यूनिट होल्डर्स का, तो उस पैसे को हम नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट से डिवाइड कर देते, तो एनएवी आ जाती। तो आइए थोड़ा पढ़ के भी समझा देता हूं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नेट एसेट वैल्यू सिग्निफाइज द रियलाइजेबल वैल्यू दैट द इन्वेस्टर विल गेट फॉर ईच यूनिट दैट वन इज होल्डिंग इफ द स्कीम इज लिक्विडेटेड ऑन दैट डेट। आगे ना कि यानी उस स्कीम को अगर हम उस दिन खत्म कर दें तो इन्वेस्टर को हर एक यूनिट पर कितना पैसा मिलेगा, वो एनएवी है। इट इज कंप्यूटेड बाय डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज एक्सक्लूडिंग कैपिटल। तो कैपिटल भी घटा दोगे तो फिर तो जीरो ही हो गया। नहीं समझे मेरी बात? नहीं इनको नहीं है ना, थोड़ा कनिका को नहीं है ना, मैं समझाता हूँ। ये हमारी जैसे बैलेंस शीट है ट्रेडिशनल फॉर्म में, ठीक है, ये एसेट्स है, ये लाइबिलिटीज है और ये शेयर कैपिटल है जहां इसको यूनिट्स कह देते हैं। तो इस एसेट की मार्केट वैल्यू में से ये वाली लाइबिलिटीज की मार्केट वैल्यू घटा दो, वो बन गया नेट एसेट। इसको इन नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो तो आपका एनएवी आ जाएगी। ठीक, The NAV is calculated for every scheme of the mutual fund. Net asset value of fund is calculated by the asset management company. मैंने बताया था ना, asset management में companies को करती है at the end of the every business day. आजकल modern time में because of computerization हम उसको daily basis पे निकाल देते हैं ताकि investor को latest information available रहे। The performance of a particular scheme of mutual fund is denoted by NAV. Ultimately किसी fund की performance किससे पता चलेगी, NAV से। अगर एनएवी बढ़ रहा है तो फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नहीं बढ़ रहा है तो फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। नेट एसेट वैल्यू में आल्सो बी डिफाइंड एज द वैल्यू एट विच न्यू इन्वेस्टर्स मे अप्लाई टू अ म्यूचुअल फंड फॉर ज्वाइनिंग अ पर्टिकुलर स्कीम। तो मान लो किसी फंड की एनएवी 20 रुपए है, तो अब नया इन्वेस्टर अगर उसकी यूनिट खरीदना चाहता है तो उसको 20 का ही मिलेगा। अगर हम उसको सस्ता दे देंगे तो पुराने इन्वेस्टर्स को गलत नहीं हो जाएगा। तभी तो फंड में न्यू इन्वेस्टर के आने से और जाने से उसकी एनएवी पे फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि उनसे हम डीलिंग भी किस लेवल पे करते हैं, एनएवी पे। थम्स अप? ठीक, इट इज द वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ द फंड। द इन्वेस्टर सब्सक्रिप्शन इज ट्रीटेड एज कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ फंड एंड द इन्वेस्टमेंट ऑन देयर बिहाफ आर ट्रीटेड एज एसेट। मैं आपको छोटे से एग्जाम्पल से दिखाऊं, आपको अच्छा लगेगा। होती बहुत छोटी बातें, समझ नहीं आती तो बच्चा परेशान होता है, अदरवाइज आप देख ही नहीं, बातें बहुत सिंपल और छोटी है। जैसे हम मान लो थोड़ी देर के लिए एग्जांपल के लिए हम इसको मार्केट वैल्यू भी बना देते हैं, ठीक है, बैलेंस शीट को। जो एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनकी मार्केट वैल्यू 100 लाख है और जो लाइबिलिटीज हैं वो 2 लाख है सपोज, और जो बाकी रिजर्व कह लो, रिजर्व आ गए वो ले लो, बाकी जो फंड है ना म्यूचुअल फंड का वो 10 रुपीज वाले यूनिट्स हैं, 10 रुपीज वाले यूनिट्स 20 लाख, बाकी रिजर्व हो गए कितना हो जाएगा 78 लाख। ठीक, अब एनएवी कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। आप हो गए मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स 100 लाख माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज 2 लाख डिवाइडेड ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स 2 लाख, तो देखना कितना आएगा, 98 लाख डिवाइडेड बाय 2, 49 रुपीज आ गया। हाँ के ना, 49 आ गया। अब एक नया इन्वेस्टर हमने लिया, वो कह रहा मैं 1 लाख यूनिट ले लूंगा, तो हम उससे 49 के हिसाब से पैसे लेंगे, ठीक, प्लस करेंगे 49 के हिसाब से। मोटा मोटा समझा रहा एग्जाम्पल, थोड़े सब्जेक्ट टू सर्टन क्लॉज होता है पर समझने के लिए। तो एसेट साइड पे हमारा 149 लाख हो जाएगा, क्योंकि उसको 1 लाख यूनिट हम कितने के देंगे, 49 के, और फंड में
यूनिट्स हो जाएंगे 30 लाख के, क्योंकि हमने 1 लाख यूनिट उसको दिए तो 10 वाले ही है, बाकी जो उसने एक्स्ट्रा पैसा दिया वो रिजर्व में चला गया मोटा मोटा। कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया उसने? 39 लाख। तो रिजर्व कितने को जाएंगे? 78 + 39 करो 49 लाख मिली है ना उसने, और उसकी फेस वैल्यू कह लो या यूनिट वैल्यू कह लो वो 10 लाख है। तो 78 लाख + 39 कितना हो जाएगा? 117 लाख। और लाइबिलिटीज कितना हो गया? 2 लाख। तो दोनों साइड तो मैच होगी 149 लाख, हाँ के ना। अब आप एनएवी निकालो तब भी सेम आएगी, 149 लाख - 2 लाख / 3 लाख देखना, 49 रुपीज ही आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उससे कोई नुकसान फायदा नहीं होता, नहीं तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, फ्री एंट्री एंड एग्जिट कैसे संभव होगा। कैसा लगा थीम समझ में आ गई ये वाली? तो ये मैंने आपको एनएवी का समझा दिया। अब इस पे आ जाओ, अब थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इन द बैलेंस शीट ऑफ द फंड द इन्वेस्टमेंट्स ऑन देयर बिहाफ आर ट्रीटेड एज एसेट्स। दिखाया ना आपको, जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हो एसेट हो जाती है। नेट एसेट ऑफ द स्कीम विल बी नॉर्मली मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, जो भी इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू, प्लस रिसीवेबल्स जो पैसा लेना है, प्लस एक्रूड इनकम्स जो इनकम एक्रू हो गई भी मिली नहीं है, प्लस अदर एसेट्स, माइनस एक्रूड एक्सपेंसेस, माइनस पेएबल्स, माइनस अदर लायबिलिटीज। इसको आप डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ यूनिट्स। समझ आ गया? सिंस इन्वेस्टमेंट्स बाय म्यूचुअल फंड आर मार्क टू मार्केट, इसका मतलब समझे, मार्क टू मार्केट का मतलब होता है कि म्यूचुअल फंड वाले अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस पे दिखाते हैं। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर कंप्यूटिंग एनएवी विल बी एट द मार्केट वैल्यू, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा तो मार्केट वैल्यू पे रियलाइज करके मिलेगा। एनएवी ऑफ म्यूचुअल स्कीम्स आर पब्लिश्ड ऑन डेली बेसिस इन न्यूज़पेपर्स एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन इन्वेस्टर्स डिसीजंस टू एंटर और एग्जिट। एनालिस्ट यूज एनएवी टू डिटरमिन यील्ड ऑफ द स्कीम। तो यानी एनएवी पे ही सारी गेम टिकी हुई है। यील्ड निकालनी है तो एनएवी का सहारा लेना है, ये बात समझ लें। कुछ भी कार्य करना है तो वो एनएवी से ही आपको पता चलेगा। तो एनएवी मैंने आपको डिटेल में बता दी, आनंद आ गया? चलिए, एनएवी ठीक कहता भाई, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो 10 है, मिलियंस में है सारी फिगर्स, इन रुपीस मिलियंस। तो 10 मिलियंस जो है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स जो है 0.75 है, अदर करंट एसेट्स 3 मिलियन है, लायबिलिटीज 2.25 मिलियन है, एक्रूड एक्सपेंसेस 0.5 मिलियन है, और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स 2 मिलियन है। देखिए एनईवी क्या आती है, फाइनल आंसर 5.62। चेक कर लीजिए, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल ही ठीक, कोई इसमें डाउट? राइट, क्वेश्चन 4, अ म्यूचुअल फंड स्कीम हैज एसेट्स ऑफ 92 मिलियन एंड लायबिलिटीज ऑफ 10 मिलियन, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स आर 10 लाख, कंप्यूट द एनएवी। तो एनएवी 10 मिलियन है, बिल्कुल सही कहा, 92 मिलियन के हो गए एसेट्स, 10 मिलियन के हो गए लायबिलिटीज, और ये भी 10 मिलियन है क्योंकि बीच में देखिए 3 जीरोज है। तो अब ये कितना हो जाएगा? 8.20। ये फिगर्स जो है मिलियंस में, ठीक है ना। बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाने का पर्पज है कि थोड़ा आइडिया लग जाए आपको, ठीक। कोई डाउट?